आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। इस डालते इस वक्त की खास खबर पर। योगा गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं के कपड़े को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। थाने में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती है, सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती, मेरी राय में बिना कुछ पहने भी अच्छी लगती। उनको ये कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। मिली जानकारी के मुताबिक रामदेव बाबा ने ठाणे में एक सभा में ये बयान दिया। इस इवेंट में महिलाएं योगा के लिए ड्रेस लेकर आई थी। इसके बाद महिलाओं की आम सभा का आयोजन किया गया। इसके लिए महिलाएं साड़ी लेकर आई थी। तय कार्यक्रम के तहत सुबह योगा विज्ञान शिविर आयोजित किया गया, जिसके बाद महिलाओं के लिए योगा प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया गया और फिर तुरंत महिलाओं के लिए सभा गुरु की गई। इसके लिए महिलाओं को साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला। इस संदर्भ में बाबा रामदेव ने कहा, साड़ी पहनने नहीं मिली तो कोई समस्या नहीं, अब घर जाकर साड़ी पहने। रामदेव ने आगे कहा कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, अमृता फडणवीस की तरह ड्रेस में भी अच्छी लगती हैं, और मेरी नजर में वो बिना कुछ पहने भी अच्छी लगती। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने अमृता फडणवीस की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, अमृता फडणवीस को युवा बने रहने का इतना जुनून है कि मुझे लगता है कि वह कभी भी 100 साल की बूढ़ी औरत नहीं होगी, क्योंकि वे बहुत हिसाब से अन्न खाती हैं, खुश रहती हैं। जब देखो वे बच्चों की तरह मुस्कुराती रहती है। अमृता फडणवीस के चेहरे पर जिस तरीके की मुस्कान है, मैं सबके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान देखना चाहता। इनका मैं सुबह याद कर रहा था, मेरे से बोली, स्वामी जी मैं सर्वांग आसन कर तो लेती हूं, लेकिन पीछे हाथ लगाना पड़ता है, मुझे निरालंब सर्वांग आसन करना है, पिछली बार बोल रही थी। और इनको तो योग का, एक्सरसाइज का इतना चार्म है, इनको यंग रहने की इतनी लगन है कि मुझे लगता है अमृता जी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब से खाती हैं, खुश रहती हैं, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती हैं। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है, ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं बहुत खुश, खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर, बात ये है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।